तो देखिए इस वाले में हमसे बहुपद हमसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर तो करणी है तो ये हो नहीं सकता, ठीक है, और इस वाले में भी करणी तो ये भी नहीं हो सकता, और इसमें हम x का व्युत्क्रम हम घटा रहे हैं तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो ये तीन अगर गलत है तो इसमें राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, डी होगा। 2x हमारा क्या होगा, 2x हमारा एक घातीय बहुपद होगा। तो अब इस वाले में हमसे बहुपद पूछ रहा है, तो बहुपद इसमें आपका पहला आपका हो नहीं सकता क्योंकि वन अपॉन एक्स ऐड हो रहा है, दूसरे वाले में वन अपॉन एक्स है तो ये भी नहीं होगा, इसमें करनी है तो ये भी नहीं होगा, तो आपका डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए यहां पर x की पावर माइनस में है तो ये आपका बहुपद नहीं हो सकता, यहां पर भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, जीरो आपका करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इसमें सही है। तो अब इसमें रैखिक बहुपद पूछा है, तो रैखिक बहुपद में जो आपका चर है उसकी घात एक होनी चाहिए, तो यहां पर आपका वन अपॉन एक्स ऐड हो रहा है तो ये आपका हो नहीं सकता, यहां पर एक्स की घात दो है ये भी गलत है, ये आपका सही है, ठीक है, और ये अगर आपका सही है तो फिर चौथे पे जाने की हमें जरूरत नहीं है। और वैसे चौथा अगर हम देखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि यहां पर वन अपॉन एक्स है तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, और रैखिक बहुपद पूछा है तो रैखिक बहुपद में हमारा केवल सी ही करेक्ट। तो इसमें हमें द्विपदी बताना है, तो आप यहां से अगर मान लीजिए जनरली आपको कोई कोई अगर मान लीजिए कि बहुपद के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप ये देख रहे हैं कि आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपके बिल्कुल एक जैसे हैं, एकदम एक तरीके के आइडेंटिकल है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये भी आपका द्विघाती है और ये भी आपका द्विघाती है, तो ये दोनों तो हमारे हो गए गलत। आप बी ऑप्शन हमारा सही है, इसमें क्या है, इसमें आपका ये त्रिघात का है और ये हमारा क्या है, अचर है, तो ये आपका मिला करके ये इसमें क्या है, दो पद है, एक आपका त्रिघात का है और इसमें एक आपका अचर है, तो ये हमारा सही है। अब देखिए जो आपका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है इसमें हमसे तो द्विपदी पूछा गया लेकिन यहां पर तो एक ही पद है, केवल एक ही पद है जिसमें एक्स की घात दो है, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो हमें यार राइट ऑप्शन कौन सा है, राइट ऑप्शन हमारा ओनली बी है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, रूट टू किस घात का बहुपद है, तो रूट टू को हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका रूट टू बराबर होता है आपका दो की घात एक बटे दो हम लिख सकते हैं। अब इसमें यहां पर पूछा है किस घात का, तो यानी घात की बात की है तो घात हमारी हो जाएगी एक बटे दो, तो किस घात का बहुपद है, एक बटे दो घात का बहुपद है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, परिभाषित नहीं है क्योंकि शून्य की पावर आप कुछ भी ले सकते हैं। देखिए अगर आप शून्य की पावर अगर आप एक लेंगे तो भी आपका जीरो आएगा, और शून्य की घात अगर आप तो मान लीजिए फ्रैक्शन में लेंगे यानी मान लीजिए अंडर रूट जीरो कर देंगे तब भी आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। इसलिए क्या है, जो शून्य बहुपद है उसकी घात क्या है, परिभाषित नहीं है। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है तो इसमें हमसे क्या बोल रहा है, एक्स की घात एक बटे तीन, तो एक्स की घात एक बटे तीन अब ये हमारा किसमें आ गया, ये करणी में आ गया, ये आपका करणी में आ गया, तो करणी जो है हमारा वो बहुपद नहीं होता है, तो ये बहुपदी नहीं है, तो बहुपदी नहीं है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका सी करेक्ट होगा। ये भी आपका बहुपदी है, ये भी आपका बहुपदी है, तो ये दोनों तो आपके गलत हो गए, और सी जब आपका करेक्ट है तो नन ऑफ दीज का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें रूट टू की वैल्यू हमें दे रखी है, वन अपॉन रूट टू निकालना है। तो देखिए इसको करने का जो तरीका है, ये वन अपॉन रूट टू ये हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण कर देंगे हम, तो रूट टू का ऊपर नीचे जब हम गुणा करेंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये रूट टू अपॉन टू, ठीक है। रूट टू की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां पर हमें दे रखी 1.414 बटे दो,
जब हम इसको दो से विभाजित करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.707, ठीक है। तो 0.707 आपका कौन सा बी ऑप्शन सही है।